जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका रंजीत तंजोर आर्ट में। और 15 पेंटिंग का वीडियो बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। 15वीं पेंटिंग में श्री राम लक्ष्मण सीता सहित वन गमन के लिए जाते हैं और सुमन जी भी साथ में होते हैं। साथ साथ कई जो अयोध्या वासी वो भी साथ में आते हैं और उनको सुबह जैसे सुमंत सोए हुए जैसे राम जी है तो सुमन को बोलते हैं कि भाई इनको सोते हुए छोड़ के हमको चलना है, क्योंकि वो किसी भी ढंग से मान नहीं रहे थे अयोध्यावासी। वो जिद पे थे कि नहीं हम भी साथ में चलेंगे, पर फिर भगवान ने यही सोचा कि अगर इनको बोल के जाएंगे तो पॉसिबल नहीं जाना। तो सुमन को सुबह सुबह उठ के और उनको छोड़ के और चले जाते हैं। अब आगे मिलते हैं निषाद राज। निषाद राज को पता चलता है कि श्री राम वन को जा रहे हैं और पिता की आज्ञा के लिए, तो उनके स्वागत के लिए बहुत विहल होके और प्यार से तैयारी करते हैं। वो चाहते हैं कि राम उनके साथ में रहे, वह 14 साल यहाँ पे बिता ले। पर श्री राम ने यही बोला कि मेरे को पिता की आज्ञा है और मैं किसी भी कंडीशन में किसी गांव कस्बे और सिटी में नहीं रह सकता, सिर्फ जंगलों में रहना है मुझे। और निषाद राज ने बहुत अनुनय विनय किया पर फिर वो नहीं माने और उनको गांव के बाहर ही उन घास फूस के बिस्तर पे सुलाए, एक दिन वहां पर रहे हैं। तो निषाद राज से मिले, वो सीन मैं दिखाता हूँ। निषाद राज उनके जैसे सहपाठी थे जब स्टूडेंट थे, वशिष्ठ के यहाँ पे विद्या प्राप्त करे थे, तब वो भी विद्या प्राप्त करे थे निषाद राज। तो भगवान ने छोटे बड़े का कोई भी भेद नहीं करते हैं, निषाद राज को भी बिल्कुल भरत के समान माना है। उन्होंने एक ही बात बोली कि तुम मेरे भरत के समान भाई हो। और ये कई लोग अभी बोलते हैं कि हिंदू समाज में जो कुरीतियां आई है वो इसीलिए आई कि अंग्रेजों ने और मुगलों ने ये चीज पैदा की कि ये छोटा है ये बड़ा है। बाकी हिंदू धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये जात छोटी होती है ये बड़ी होती है, ये किसी भी किताब के किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। पर ये अंग्रेज लोग और मुगल आए, इन्होंने भेदभाव करने की कोशिश की और हिंदू समाज में फूट डालने की कोशिश की। हम अब निषाद राज को देख लीजिए या सबरी जो है नीच जात की भिलनी जाति की, उसको भी उसके झूठे बैर राम ने खाए हैं। तो एक आदर्श स्थापित रामायण में है। रामायण में हर प्रकार की भ्रांतियों का निराकरण है, बस सिर्फ दिल से मन से पढ़ने की जरूरत है, बाकी सभी उत्तर इंसान के मिल जाते हैं। कोई बोलते ना कि भाई हम यहाँ पर ये फंस गए हैं या इस रिश्ते में क्या करें, तो बस सिर्फ रामायण जी पढ़ लें, उनको सभी उत्तर मिल जाएंगे। और दोस्तों इसीलिए हमको रामायण जी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है, सुनाना है। और यूट्यूब का और सोशल मीडिया का जो गलत इस्तेमाल करते हैं वो भी ये सही चीज में भी इस्तेमाल हो सकता है। सारी चीजें यूट्यूब पर है, रामायण जी संबंधित, महाभारत से संबंधित, कृष्ण भगवान से संबंधित, तो बच्चों को उस ओर रुझान पैदा करे, न कि पबजी वगैरह और इस तरह के गेमों में जब टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे। तो ये माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि सनातन धर्म के जो सच्चाई है, जो ताकत है, वो पहचाने। और दोस्तों अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई है कि चंद्रमा पे चंद्रयान पहुंच गया है। आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं और मोदी जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि चंद्रयान हमारा सुरक्षित लैंड हो चुका है चंद्रमा पे और अभी तक कोई भी देश वहां तक नहीं पहुंच सका है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव में उतरा है और उत्तरी ध्रुव में अभी ये जैसे रूस फेल हो गया है, उनका किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो भी भेजा था उन्होंने वो सारा ही कैंसिल हो गया उनका और नष्ट हो गया है। तो दोस्तों मैं ये पेंटिंग दिखाता हूँ। निषाद राज बार बार चरण पकड़ रहे हैं राम जी के और राम जी उठा के उनको गले लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि भरत समान आप मेरे भाई हो, आप मेरे चरण मत पकड़ो, गले लगो। ये सीन मैं आपको दिखाता हूँ। ये निषाद राज है जो चरण पकड़ते हुए श्री राम के,
और राम जी उनको उठा रहे हैं। तो ये मेरी 16वीं पेंटिंग है, 15 पेंटिंग का वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों निषाद राज काफी टाइम तक राम जी के साथ में रहे हैं और जब तक वो चित्रकूट नहीं पहुंचे वहां तक लगभग साथ में रहे हैं। तो मेरी पेंटिंग आपको कैसी लग रही है? 16वीं पेंटिंग का वीडियो है और ये सारी पेंटिंग सिर्फ आइडिया से स्केच करके और मैंने बनाई है। मेरे स्केच मैंने 108 पेंटिंग के स्केच के वीडियो बना के अपलोड किया है। अगर किसी को स्केच भी देखना हो तो देख सकते हैं, 108 ही पेंटिंग के स्केच बना के अपलोड कर रखा है मैंने यूट्यूब चैनल रंजीत तंजोर आर्ट बॉय महेश वैष्णव में। और दोस्तों आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम 17वीं पेंटिंग के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत हिंदू राष्ट्र, जय सनातन धर्म।